साइकिल रैली ये 8-10 दिन से चल रही है, अभी 8-10 दिन और चलेगी। जो कानून मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड जो बदलाव कर रहे हैं मोदी सरकार, उसके खिलाफ में हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं 25 नवंबर को। पेट्रोल आम जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा है, उनकी पॉकेट से दूर होता जा रहा है, इसलिए भी साइकिल रैली है कि आज मोटरसाइकिल लोगों को या अपनी कारें लोगों को घरों में छोड़नी पड़ेंगी। अगर इसी हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता रहा तो उनको साइकिलों पे या पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इट इज़ अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट, ये विरोध का तरीका है कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चला करके सरकार को बता रहे हैं कि आप जो महंगाई रूपी जो दाना में हमारे पर जो लाते जा रहे हैं, ये जनता, दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको आपको अपने कदम को वापस खींचना पड़ेगा। महंगाई तो ज़्यादा इन औरतों को ही झेलनी पड़ रही है, घरों में जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, और जो ये सारी चीज़ें जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ज़्यादा महिलाओं को ही मार सहनी पड़ रही है। इसलिए हमारी जनवादी महिला समिति जो सारी यहाँ खड़ी इस हड़ताल में पूरा पूरा सीटू का साथ देंगी और हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहेंगे। सब जाएंगे, सबके लिए ही कर रहे हैं, कोई एक के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, सबके लिए ही है ये तो। और बच्चे पढ़ लिख के भी बैठे हुए हैं घर में, उनकी भी नौकरी हो, वह काम धंधा हो। 200 रुपये किलो तेल, आलू 30 रुपये किलो, कहाँ खा लेंगे गरीब आदमी, हैं? काम ना धंधा ना कोई, गरीब आदमी पड़े तो कैसे करेगा। सिलेंडर पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं और तेल कितना ऊंचा तो पहुंच गया, और क्या कर सकती है, कोई काम तो है नहीं, धंधे है नहीं, बच्चे नौकरी वाले हैं, पढ़े लिखे लेकिन नौकरी नहीं है सरकारी, कहाँ से लाएंगे, सब घर बैठे। उतना दूर से बिहार से यहाँ पे आके बसे हैं, क्या गुजारा करेंगे, 10,000 में 5 बच्चे मियाँ बेबी 5 मिला कर रहे हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ होगा 10,000 में कुछ नहीं होगा। अभी जो दिल्ली की जो न्यूनतम मजदूरी है हेल्पर की, तो 15,908 रुपये है, लेकिन वो 15,908 रुपये जो है वो 5% लोगों को मिल गया है, 95% मजदूर उस वेतन से बाहर हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ भारत एक्सपोर्ट में, करीबन 300 वर्कर है, इसमें से सर करीबन 100-150 ESIPF लागू है और बहुत से लोग ESIPF लागू नहीं है, और न्यूनतम वेतन कुछ आदमी मिलता है, कुछ आदमी को नहीं मिलता है, हेल्पर और लेडीज़ को ना के बराबर। वेतन के नाम पे 9,000, 8,000, 7,000 इतना वेतन दे रहे हैं, और महिलाएं तो 5,000, 4,000 रुपये वेतन में काम करा रहे हैं। जो महिला का मजबूरी का फ़ायदा उठा के कि भाई जो महिला है बेचारी है, कम वेतन में काम कर लेंगी, 4,000 रुपये में, बुरा हाल है। कहीं भी देखोगे आप, पूरी दिल्ली के हालात यही है। अब हम विधवा हैं, हमारा कोई कमाने वाला ना, देखो क्या सूझा पड़ा, अब ये दवाइयाँ वाइया कहाँ से लाएं, हम लोगों के लिए कोई मदद नहीं है, पेंशन आ रही थी वो भी बंद कर दी। 30 सितंबर को दिल्ली के 12 ट्रेड यूनियन संगठनों का फैसला हुआ है सम्मेलन में कि हम लोग आगामी 25 नवंबर को पूरा दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली NCR के अंदर हड़ताल पे जा रहे हैं। ये हड़ताल का फैसला इसलिए लेना पड़ा कि कोरोना काल में जब लोग स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान थे तो सरकार ने उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाने की बजाय उनको और कष्ट ही दिए हैं। मजदूरों का वेतन जो हर साल तरक्की होती थी, किसी का 2,000, किसी का 1,000, तो वो मालिकों ने कोरोना का बहाना बना करके वो तरक्की रोक दी है। मजदूरों की काम कम का बहाना बना करके छटनी कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। आज बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी है कि आप किसी गले मोहल्ले में, आप कॉलोनी में चले जाओ, 150 लड़के नौजवान ऐसे घूमते मिलेंगे आपको। 3.5 महीने पिछले साल बहुमत मजदूरों को वेतन नहीं मिला, हजारों लाखों मजदूरों की छटनियां हुई काम से। इसी प्रकार इस साल भी लगभग 2 महीने लॉकडाउन रहा, तो उस दौरान मालिकों ने वेतन नहीं दिए मजदूरों को, तो ये जो लगभग 6 महीना पीछे गुजरा है जिसमें वेतन नहीं मिला, तो वो अपने परिवार का, अपने घरों का कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे। आज मोदी सरकार उस बातों को भूल गई जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबके अच्छे दिन आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 हाथों को काम मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात तो छोड़ो, 2 करोड़ रोज़गार जो है हर साल जा रहे हैं इस सरकार के रहते हुए। 2 करोड़ का मतलब हो गया 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, वो 14 करोड़ का उल्टा रोज़गार चला गया है। तो हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अच्छे दिन की तो आप बात छोड़ो, जो हमारे पुराने दिन है वही लौटा दो आप।
बड़ा एहसान होगा आपका। क्या सरकार ने ट्रेड यूनियंस के जो विचार थे, उनके सुझाव थे, उनको माना नहीं गया? फिक्स टर्म को लाया जा रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, इंस्पेक्टर्स का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके फैसिलिटेटर बनाए जा रहे हैं, जो उल्लंघनकर्ता मालिक थे उनके पर जो कार्रवाई के पहले नियम बने हुए थे उसको डाइल्यूट किया गया है, ये सब जो स्थिति बनने वाली है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो नया भारत मोदी जी 15 अगस्त को बोले थे कि हम नया भारत बनाएंगे, ये भारत हमें ऐसा लग रहा है जहाँ पर कि जो गरीब है, मेहनतकश है, किसान है, मजदूर है, उसका जीना और मुश्किल होता जा रहा है। तो किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं? 1886 के अंदर जो श्रम कानून कड़े संघर्षों के बाद जो हासिल करे थे, उन 44 कानून को केंद्र में बैठी मोदी सरकार चार लेबर कोड भी लेकर के जो आई है, वो मजदूरों के लिए एक तरह का फांसी के फंदे से कम नहीं है। उन कानूनों के तहत मालिकों को खुली छूट दे दी जाएगी, मजदूर बंधुआ मजदूरी करेगा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा और उतना बुरा हाल होगा मजदूरों का कि उसका जो खाना खाने का समय है, आराम करने का समय है, परिवार में समय देने का सवाल है, वो सब भूल जाएगा। वो 12 घंटे की ड्यूटी जो है जो ये कर रहे हैं, और ESI PF का सवाल हो, न्यूनतम मजदूरी का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, सबको ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और तरह तरह का बहाना बना रहे हैं हम, पुराने कानून है, जंग लग गया है, इनको संशोधन करेंगे। तो संशोधन किसके, मजदूर के पक्ष में नहीं हो रहे, मालिकों के पक्ष में हो रहे हैं। जो महंगाई की मार है, चटनी की मार है, वेतन कटौती की मार है, वो सबके ऊपर है, हर मेहनतकश के ऊपर है, तब तो संप्रदाय बीच में नहीं आता। मगर जब लोग जो है इन सवालों के ऊपर संगठित ना हो, इनके ऊपर आवाज़ ना उठाएं, तो अयोध्या में मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कश्मीर के अंदर 370 का मुद्दा ले आते हैं। ये केवल लोगों को जो आम उनकी दर्द है, पीड़ा है, उससे भ्रमित करने का, उससे भटकाने के सरकार ने, RSS ने तरीके ढूंढे हुए हैं। परसों केंद्रीय मंत्री बोले हैं हरदीप पुरी कि भाई हमने तो मुफ्त वैक्सीन दिया है, हमने तो मुफ्त राशन बांट रहे हैं, इसलिए पेट्रोल का दाम तो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि भाई वैक्सीन का जो दाम है आप हमारे से ले लीजिए, मगर सरसों के तेल जो बहुत ज़रूरी है खाने के लिए, कम से कम उसके दाम मत बढ़ाइए, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम मत बढ़ाइए, वैक्सीन का दाम लेना है, इंजेक्शन का दाम लेना है आप ले लीजिए। और राशन के अंदर भी, राशन के नाम पर जो मजाक हो रहा है, केवल गेहूं और चावल से किसी की रसोई पूरी नहीं होती, उसके लिए आपको दाल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, नमक भी चाहिए, चीनी भी चाहिए। राशन देना है तो पूरा दीजिए, राशन के नाम पे ढोंग करना बंद करो तुम। ये सरकार से मांग है कि जो श्रम कानून है उनको बहाल किया जाए फिर से, और मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है 16,000 के लगभग है, जो इसको तत्काल लागू किया जाए, और महंगाई पर लगाम लगाई जाए, और महंगाई को देखते हुए हम ट्रेड यूनियन, देश के 12 ट्रेड यूनियन हैं संयुक्त, जो हड़ताल में जा रहे हैं। 25 नवंबर को पूरी NCR के अंदर ज़बरदस्त हड़ताल होगी, गुस्सा फूटेगा सड़कों पर, तो उसकी तैयारी में हम साइकिल रैली के माध्यम से, हैंडमिल के माध्यम से, पर्चे के पोस्टर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, एक एक मजदूर के पास, एक एक मजदूर बस्ती में, एक एक फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों को जगाने के लिए जा रहे हैं। हम जगाएंगे, हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेवारी है, उस काम को करेंगे बाखूबी से।